हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन? तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे ना मैथ का, तो उसे बहुत ध्यान से पहले एक बार नहीं तो दो बार पढ़िए क्वेश्चन कह क्या आ रहा है। क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है उसका आंसर। ध्यान से बस देखिए, जैसे एक दिए हुए रेखाखंड को बराबर भागों में विभाजित करना है, तो सॉल्व एक रेखाखंड दिया है। सपोज कीजिए रेखाखंड जो लंबाई दी है वो 8 सेंटीमीटर के दी है। क्या 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड दिया है? चलिए सबसे पहले हम क्या करें, 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक दोस्तों, ए बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को बराबर भागों में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, विभाजित करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बना लेना है। क्या बना लेना है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक, 90 डिग्री ठीक से कम का जो कोण होता है उसे न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के बीच के कोण को बोलते हैं हम अधिक कोण। ठीक, तो सबसे हमने क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी एक दूरी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोई भी एक दूरी ले लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे, और ए को केंद्र मान के क्या कर देंगे, एक अर्क लगा लेंगे। क्या कर देंगे? एक अर्क लगा दिया। ठीक दोस्तों, इस बिंदु का नाम दे दिया आपने सी। ठीक, देखिए दोस्तों, जो दूरी हमने ली थी तो सी को केंद्र मानकर एक अर्क लगा देंगे। ठीक है, जो पहला आर्क होता है वो 60 डिग्री का होता है, नहीं 60 डिग्री है। ठीक, तो 60 डिग्री क्या हो गया, नए न्यून कोण हो गया। तो हमने न्यून कोण एक ले लिया, और इसे हमने क्या करा, आपको ए को, और ये पॉइंट जो हमारा मिला है, इसे आप कोई भी बिंदु मान लीजिए, टी मान लीजिए, एस मान लीजिए, कुछ भी। ठीक, मिला दिया। क्या कर दिया? मिला दिया। चलिए साहब, और एक किरण खींच ली। क्या किरण? किरण और रेखा होता क्या है? किरण की कोई माप नहीं दी होती। ठीक, अनंत तक खिंचती जाती, मगर रेखा की माप होती है। ठीक, हमेशा याद रखिए। तो किरण खींच ली हमने। चलिए साहब, अब ये जो किरण हमने खींची है, तो सबसे पहले इस किरण को हमें बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो भी हम प्रकार में दूरी लेंगे, सपोज कीजिए, क्या सपोज कीजिए, हम 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं या त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है, प्रकार में भर लेते हैं, ध्यान से देखते रहना। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली। ठीक, ए को केंद्र मानकर अर्क लगा दिया। ठीक है, तो सब बराबर बराबर भाग के यही अर्क लगाना हमें। ठीक ठीक, ठीक है, और ए को केंद्र मानकर ए बी पे भी हमें क्या कर देना है, यही अर्क लगा देना है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, ये ए हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए वन। ठीक, ये पॉइंट ए टू। ठीक, ये हो गया ए थ्री, और ये हो गया ए फोर। ठीक, ये हमारा हो गया पी जीरो, ये हो गया पी पी वन, ये हो गया पी टू, ये हो गया पी थ्री, और ये हो गया पी। ठीक, कुछ नहीं करना है, अब सभी को क्या करना है, मिला देना है। पी ए वन को पी वन से, ए टू को पी टू से, ए थ्री को पी थ्री से, और ए फोर को पी फोर से। चलिए साहब,
ऊपर से मिलाते चल रहे हैं, नीचे से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, A3 को P3 से मिला लीजिए। ठीक, A2 को P2 से मिला लीजिए। ठीक, A1 को P1 से मिला लीजिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए सभी पार्ट्स बराबर बराबर हुए, दो दो सेंटीमीटर के हैं, बराबर भागों में बांट दिया और दो दो सेंटीमीटर को बराबर बराबर भागों में हमने बांट दिया। ये हमारा क्या हो गया, एक रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में विभाजित करना। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम बन गया। अब रचना भी, जब हमें रचना लिखना है इसकी, ठीक है, इसकी थ्योरेटी लिखना है, रचना लिखना है, तो सेम टू सेम जैसे जैसे हमने काम किया है बस वैसे ही रचना में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए आपको रचना लिखना है, ठीक, तो रचना में सबसे पहले ज्ञात होता है, क्या होता है, ज्ञात है, ज्ञात आपको क्या है, एक रेखाखंड दे दिया, एक रेखा जिसकी लंबाई कितनी थी, मानी थी हमने 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मानी थी। ठीक, अब देखिए, अब देख लीजिए रचना, ठीक है, इसकी रचना। एक और आता है ज्ञात के बाद अभीष्ट आता है, मगर उसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप रचना डायरेक्ट लिख दीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, एक रेखा ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्या चीज, 8 सेंटीमीटर की खींची। अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, खींची। ठीक, उसके बाद क्या किया, ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। ठीक, एक को केंद्र मानकर क्या करा हमने, एक न्यून कोण का चाप लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या करा, जो न्यून कोण का हमें चाप मिला, बिंदु मिला, उसे हमने एस मान लिया। ठीक, न्यून कोण का जो बिंदु मिला उसे हमने एस मान लिया। ठीक, सब कुछ सेम जैसा किया वही कर, अब हमने क्या एस मान लिया, अब ए एस को क्या कर दिया, मिला दिया। अब ए एस पर एक एक किरण खींची, क्या खींची, एस पर क्या खींची हमने, एक किरण खींची, एक किरण। ठीक, ए एस बिंदु से मिला के एक किरण खींचती। ठीक है, अब हमने प्रकार में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या या रेखा, त्रिज्या भरी, ठीक है, त्रिज्या भरी। दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, और बेटर यही रहता है अपनी लैंग्वेज में लिखना, रटा रटी ये नहीं लिखते हैं। ठीक, 2 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या भर ली थी प्रकार में, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक, उसके बाद क्या करा, ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर
ए को केंद्र मानकर भैया क्या करा हमने, बराबर भागों दो दो सेंटीमीटर के, दो दो सेंटीमीटर के बराबर 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 भाग काटे, ठीक काटे। सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही हमने ए बी रेखा पर किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे क्या किया हमने, जो हमें बिंदु मिले थे तो ए वन पी वन, आगे जो बिंदु मिले थे जैसे ए वन और पी वन, ठीक, तो ए वन और पी वन को मिलाया, को मिलाया, ठीक। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, ए टू पी टू को मिला देंगे, ए थ्री पी थ्री को, ए फोर को, ऐसे आगे लिख लेंगे, ठीक। ये आपकी रचना, कोई हुआ नहीं है ये, ठीक है, बस आप समझ के लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे कोई और एक अच्छा क्वेश्चन के साथ आपसे मिलने आता हूँ वीडियो में, ठीक। दोस्तों चलने की इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।